न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये वादा किसी से नहीं खुद से किया है। साथियों, जिस प्रकार से जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी है अपने पूर्व जोर ताकत लगाते हुए शिक्षक भर्ती कराने के लिए एड़ी चोटी का ताकत लगा रहे हैं, काबिले तारीफ है। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो वीडियो के माध्यम से, गीत के माध्यम से अपने दर्द बयां कर रहे हैं। गुच्चू, कोई साथी गुच्चू बेच रहे हैं, कोई साथी बेरोजगार है, कोई साथी मनरेगा में जा रहे हैं, कोई साथी सब्जी बेच रहे हैं, कोई साथी मिस्त्री का काम कर रहे हैं। इस सारी चीज़ें उनकी दर्द बयां करता है, लेकिन सरकार लेस मात्र भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। इससे कई लोगों के मन में ये लगता होगा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन आपसे कहना चाहूँगा कि सरकार अंदर से पूरी तरह से हिली हुई है, क्योंकि शिक्षक भर्ती पूरे प्रदेश में तहलका मचा के रखा हुआ है। मीडिया हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, चाहे आपके समाचार पत्र, सभी जगह शिक्षक भर्ती की चर्चा इतनी चल रही है कि जहाँ भी वो पढ़े वहाँ आपको शिक्षक भर्ती से संबंधित हर चीज़ उनको पता चलेगा। इससे कई लोगों के मन में हौसला कम हो जाता है कि हम इतना कुछ कर रहे हैं फिर भी कुछ भी नहीं हो रहा है। तो आपसे कहना चाहूँगा ऐसा कुछ नहीं है, बहुत जल्दी ही इसका परिणाम आपके सामने ज़रूर आएगी, लेकिन इसके लिए दो चीज़ आपको रखना होगा, विश्वास और दृढ़ संकल्प। अरे दृढ़ संकल्प से आप ये काम करते रहें, अपने आग को बुझने ना दें। जिस प्रकार से भी चलती आ रही है आंदोलन, चलती घर से आंदोलन, 30 जून तक घर से आंदोलन चल रही है गीतों के माध्यम से। एक सर ने बहुत ही अपने फैमिली के साथ मिलकर के बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपने बातों को रखा, कई लोग रख रहे हैं, मैं भी आपके सामने रख रहा हूँ। किसी की हालत किसी से छुपी नहीं है, सबकी हालत एक जैसी ही है। इतने पढ़ने लिखने के पश्चात, चयनित होने के पश्चात जो है बेरोजगारों का झेलना, बेरोजगारों का मार झेलना कितनी मतलब तकलीफ देह होती है, मैं अच्छी तरह समझता हूँ। तो साथियों, जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी, उसे क्रमबद्ध निवेदन है कि अपने हौसला को कम बस मत होने देना। ज़्यादातर मैं उन बहनों से कहना चाहूँगा, मैडम लोगों से कहना चाहूँगा कि सामने आकर के अपने बातों को रखें, सामने आकर के अपने पीड़ा को रखें कि आप किस प्रकार से अपने दर्द सह रहे हैं, इस बेरोजगारी के मार सह रहे हैं। कई लोगों का उम्र हो रहा है, ऐसे भी साथी हैं जिसका उम्र होने वाला है, उनसे भी अपील है कि सामने आकर के एक छोटे से वीडियो क्लिप के माध्यम से सरकार को जगाने का प्रयास करें। और ऐसा ही 14,580 में यदि 2,000 लोगों को नियुक्ति मिल चुकी है, तो 12,000 लोगों का छोटा छोटा क्लिप भी मिल जाए तो सोशल मीडिया में तहलका मच सकती है। केवल छोटा सा प्रयास करने का है कि 10 से 15 सेकंड, 20 से 30 सेकंड तक की छोटा सा अपना दर्द जो है बताते हुए माननीय भूपेश बघेल जी को, प्रशासन को अपनी बातें रखना है, शिक्षक भर्ती के लिए निवेदन करना है। यदि ये चलता रहा, अब देख लो छोटा छोटा वीडियो क्लिप जो है कितना तहलका मचा रही है, अब इसी प्रकार से अलग अलग वीडियो यदि सब तक पहुँचे तो समझिए कितना तहलका मचा सकती, क्रांति आ सकती है, बहुत जल्द इसका परिणाम आएगा। क्योंकि लोग कहते हैं तीसरी लहर की बात करते हैं, तीसरी लहर जो है अभी अनुमानित है, आप उस पर मत जाइए, वर्तमान को जानिए। अपने सकारात्मक सोच को रखते हुए कई लोग जो है मैं देखता हूँ केवल सोशल मीडिया में 400 से 500 लोग एक्टिव है, बाकी लोग वीडियो देखने के पश्चात जो है केवल चुप रह जाते हैं। कई लोगों को ट्विटर चलाने नहीं आता है, ट्विटर चलाना सीखिए, वीडियो में छोटा सा क्लिप बनाइए। और इस प्रकार से यदि नियुक्ति चाहिए तो आपको ये करना ही पड़ेगा।
किसी दूसरे के करने से ये मिलने वाला नहीं है, खुद के करने से मिलने वाली है ना। संघर्ष से आदमी अकेला होता है, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, लेकिन आदमी जब सफलता मिलती है तो दुनिया उनके साथ होती है। याद रखिएगा, अभी जग आप पे हंस रही है, लेकिन आपको एक इतिहास रचना है। शिक्षक भर्ती इतिहास जरूर रचेगी, याद रखिएगा। अपने हक की लड़ाई वो लड़ रहा है, अब अपने हक की लड़ाई लड़ना कोई गलत बात नहीं, अपना अधिकार है, मौलिक अधिकार है। दोस्तों इस वीडियो में ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन आपकी उदासीनता ही नियुक्ति को लेट करेगी। यदि आप में जोश है तो उस जोश का अपने टेक्निकल का प्रयोग करें। अभी दिखाने का काम, सभी टीचर कहीं ना कहीं पढ़ाने जाते थे, अपने कला को अभी सामने लाने का समय है। अपने बातों को रखिए, इस प्रकार से रखिए कि सरकार तक आपकी आवाज़ पहुँचे। बिना सड़क में उतरे सोशल मीडिया के माध्यम से ही जीत प्राप्त हो सकती है। बहुत ही अंदर से हिली हुई है ये, बहुत ही अच्छी प्रयास है आप सभी का। सोशल मीडिया में रोज एक्टिव है ना। जितने भी मीडिया कर्मी हैं उनका भी ध्यान आपके तरफ आकर्षित हो रही है, ये बहुत बड़ी जीत है, याद रखिएगा। आप छोटे मोटे प्रयास नहीं करें, बहुत बड़े प्रयास कर रहे हैं। आपको लगता होगा कि कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, बहुत फर्क पड़ रहा है ना। बहुत जल्दी ही कैबिनेट की मीटिंग होने की मतलब कोई जानकारी मिली है, वहाँ पे जरूरी बात रखी जा सकती है। और कुछ महीनों में स्कूल खुलने की भी बातें सामने आ रही है, लेकिन वो उतना परफेक्ट नहीं हो पा रहा है कि खुलेगा कि नहीं खुलेगा, क्योंकि स्कूल जो है बच्चों के लिए, अभी देखेंगे बच्चे कितना छत्तीसगढ़ जो है शिक्षा व्यवस्था में पिछड़ी हुई है, ये भी मार पड़ी उनकी, ये भी सोशल मीडिया में उछल रही है। तो कहीं ना कहीं शिक्षक भर्ती से संबंधित हर चीज़ें जो है आपके पक्ष में आ रही है, सभी आपके साथ दे रहे हैं। आपके बड़े बुजुर्गों का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सराहनीय प्रयास रहा। उसी प्रकार से आप एक नए नए टेक्निक आपके पास लाइए। मैं ज़्यादातर कहना चाहूँगा मैडम लोगों को, है ना, जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी है उन साथियों को, कि इस तरह से दूसरे के वीडियो को देख करके आप कुछ सीखिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। आपको खुलकर सामने आने का प्रयास करना चाहिए। और मैं ये इसको एक साल पहले से बोल रहा हूँ कि छोटा छोटा वीडियो क्लिप डालिए, बहुत जल्दी ही परिणाम आएगी। अब वो चीज़ अब हो रहा है, एक साल बाद। मैंने पिछले साल भी बोल दिया था कि छोटा छोटा वीडियो डालिए, अब कई लोगों ने विरोध किया था कि वीडियो डालने से कुछ नहीं होता। मैं तो खुलकर सामने आता हूँ, खुलकर अपने बातें वीडियो यूट्यूब पे कहता हूँ कि मेरा अधिकार है, मैं बोलना चाहता हूँ, ये मेरा अधिकार है, मुझे कोई रोक नहीं सकता बोलने के लिए। सही है तो सही है, ये हम बेरोजगारी का मार झेल रहे हैं। आपने वैकेंसी निकाला, हमने एग्ज़ाम दिलाए, अब हमको वेरिफिकेशन भी हो चुका है, अब हमको नियुक्ति चाहिए, अब ये जायज है मांग, क्योंकि कोई कारण ही नहीं बनता नियुक्ति नहीं देने का। और जो कारण बताया जाता है बेबुनियाद है। सभी काम हो रहा है, सभी जगह नियुक्ति हो रही है, सब चीज़ का नियुक्ति हो रही है, लेकिन केवल शिक्षक भर्ती की हो रोक के रखा गया है जानबूझकर। तो साथियों, यदि इस वीडियो में आपको लगता है कि मैंने कुछ लेस मात्र भी सही बोला है, कैसा होना चाहिए, तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और ज़्यादा से ज़्यादा यदि आप वीडियो बना पाते हैं तो ट्विटर के माध्यम से या मेरे व्हाट्सएप पर भी भेजिए, उसको मैं वीडियो के माध्यम से सामने रखने का प्रयास ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, बस अपने हौसला को बुलंद रखिए, कमज़ोर मत होने दीजिए। धन्यवाद।